नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। ये राक्षस तो आदिकाल से रहे हैं, चाहे सत्य युग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, और आजकल युग में भी हैं इन आतंकवादियों के रूप में, और हमेशा रहेंगे। इनका खात्मा जल्द ही होगा, बहुत बड़े पैमाने पर होगा। हमारे देश में एक हमला हुआ, उड़ी हमला, जिसमें हमारे 17 जवान शहीद हो गए, और इसका बदला, इसका करारा जवाब दिया हमारी आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में। पाकिस्तान में घुस करके उन्हें मार करके, उनके बंकरों को नेस्तनाबूद करके। लेकिन कुछ चूते टाइप के लोग, मीर जाफर और जयचंद जैसे लोग जो हमारे नेता ही हैं, वो हमारे आर्मी से और हमारी सरकार से इस बात का सबूत मांगते हैं कि मुझे सबूत दिखाओ। सीमा पर डेली जंग चल रही है, आतंकवादी बहुत से सैनिकों को हमला कर रहे हैं, आतंकवादियों को मारा जा रहा है, पुलिस चौकियों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर जो जवानी आतंकवादी हैं, जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, अपनी गंदी जुबान बोल करके इनका क्या किया जाए? इनके ऊपर भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक लगाना ज़रूरी है। मैंने केजरीवाल का एक वीडियो देखा, उसके 2-3 बार चेक किया, मैंने देखा इस कमीने ने इतनी सुंदरता से, इतनी सफाई से, इतने नाटकीय ढंग से अपनी बात रखी और पाकिस्तान के पक्ष में बोला कि किसी को शायद विश्वास भी नहीं होगा। ये बोलता है, देखो सर जी, पाकिस्तान ऐसा बोलता है कि उसके एरिया में कुछ नहीं हुआ, उसके जगह में कुछ नहीं हुआ, आप इस बात का सबूत दिखाओ सर जी, अब इस बात का सबूत दिखा करके पाकिस्तान को झूठा साबित करो, हमको दिखाओ। अबे तुम कौन होते हो इस बात का सबूत इस तरह से मांगने वाले? इसने एक्टिंग के मामले में पुराने ज़माने के विलेंस को भी पीछे छोड़ दिया, रंजीत प्राण जैसे लोगों को पीछे छोड़ दिया। आज तक किसी अमेरिकी ने ओबामा से नहीं पूछा, ओबामा तुमने ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा, मुझे वीडियो दिखाओ, मुझे प्रूफ दिखाओ। और ये हमारे नेता डिबेट में मांगते हैं, हमें वीडियो दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, सबूत दिखाओ सरकार से। केजरीवाल तुम्हारा मंत्री कपिल मिश्रा बोलता है जम्मू कश्मीर के सीएम से, हमें देशभक्ति का सबूत दिखाओ, उससे क्वेश्चन करता है। अबे कपिल मिश्रा, मैं तुमसे बोलता हूँ, जाकर अपने बाप केजरीवाल से पूछो ना, बुरहान वानी के बारे में उसका क्या विचार है, उमर खालिद को कन्हैया कुमार को क्या सोचता है वो, उसके बारे में उसके क्या विचार हैं। आज सर्जिकल स्ट्राइक का नाम एक बच्चे बच्चे की जुबान पे है, सभी लोग जान गए सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन आज के पहले शायद ही कुछ लोगों को मालूम होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है, उसको किस बला का नाम है, कौन सी चिड़िया है वो। कांग्रेसी प्रवक्ता बोल रहे हैं हमारे ज़माने में भी हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन हमने कभी इसका खुलासा नहीं किया। मैं बोलता हूँ, कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक किया था तुमने कि पाकिस्तान ने चूतक नहीं बोला, एक आवाज़ भी नहीं उठाई तुम्हारे खिलाफ? अब तो डीजीएमओ ने भी बोल दिया उस ज़माने के कि ऐसा कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती कांग्रेसियों? अभी उसको सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बोलते, उसको मॉक ड्रिल बोलते हैं, मॉक ड्रिल। तुम्हें सर्जिकल स्ट्राइक और मॉक ड्रिल में अंतर नहीं मालूम है? तुम पाकिस्तान से जाकर बोलते थे सर जी पीछे हट जाइए, आज हमारी आर्मी मॉक ड्रिल करने वाली है, ऐसा बोलते थे तुम लोग 15 अगस्त को लाल किले से जब मोदी जी ने नाम लिया बलूचिस्तान का, पाकिस्तान के पिछवाड़े में आग लग गई और साथ ही साथ हमारे कुछ कांग्रेसियों के पिछवाड़े में भी आग लग गई कि मोदी ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। खुर्शीद बोलता है, सलमान खुर्शीद बोलता है, हमें कोई हक नहीं है वैसा बोलने का पाकिस्तान के मामले में, हम क्यों बोलें? ऐसे कायर मंत्रियों से, ऐसे कायर कांग्रेसियों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और बोलते हो, कोसते हो मोदी को? एनएफएन का दर्जा किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। पानी की संधि किसने की? खुद नेहरू ने जाकर के पाकिस्तान में की थी। पीयूके किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। कश्मीर किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, उसी की देन है ये कश्मीर की समस्या, ये आतंकवादी। जीते हुए क्षेत्र किसने वापस किए? कांग्रेस ने किए। 90,000 सैनिकों को बिना किसी शर्त, बिना किसी सौदे के क्यों वापस कर दिया? किसने किया? कांग्रेस ने किया। पाकिस्तान किसने बनाया? पाकिस्तान किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। और कांग्रेसी कोसते हैं मोदी को? और बेहुदा राहुल गांधी बोलता है मोदी जी खून की दलाली कर रहे हैं। अबे कांग्रेस के ठेकेदारों, जरा इस अपने आका को समझाओ, खून की दलाली किसको बोलते हैं, ये क्या बोल रहा है चुतिया? अबे खून की दलाली उसको बोलते हैं जो तुम्हारे नाना ने किया था कुर्सी की लालच में, 1947 में लाखों लोगों का खून बहाया, तब जाकर के वो इस देश का पीएम बना, उसी की वजह से हुई थी ये खून की दलाली, उसी ने करवाया था ये बंटवारा, वही था मेन। 1962 में बिना किसी तैयारी के हमारे भारतीय फौजी को, हमारे देश की सेना को चीन के सामने झोंक दिया मरने के लिए, उसे ये तक नहीं मालूम था कि लड़ाई होने वाली। उसकी बेलगाम दादी ने पंजाब में अकालियों का वर्चस्व ख़त्म करने के लिए जनरल सिंह भिंडरवाला जैसे उग्रवादियों को पैदा किया और लाखों को मौत के घाट उतरवाया, उसे बोलते हैं खून की दलाली। पाकिस्तान से युद्ध जीत जाने पर खुद को भारत दिलवाया, उसे बोलते हैं खून की दलाली। सैनिकों के
लास्ट पे उसने अपने आप को खुद को भारत रत्न दिया था इंदिरा गांधी ने 94 में, तुम्हारे बाप राजीव गांधी के इशारे पर हजारों सिखों को दौड़ा करके मारा गया, कत्ल किया गया दिल्ली की सड़कों पर, उसे बोलते हैं खून की दलाली। थोड़ा जुबान संभाल करके बात करना सिखाओ इस कांग्रेसियों को। 1962 में चाइना से हार के कारण जानने के लिए एक समिति बनी थी, उसकी रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं सार्वजनिक की तुम लोगों ने, क्योंकि उसमें सीधा सीधा सारा का सारा हार का ठीकरा सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के सर फोड़ा गया था, क्योंकि वही था जिसकी वजह से हमारी सेना हार गई। उसने कोई तैयारी नहीं की थी, कुछ भी नहीं की थी, उसकी वजह से हमारी आर्मी हार गई, हमारी सेना हार गई। हमारे देश से 72 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना छीन कर चला गया लेकर के, और हम कुछ भी नहीं कर पाए। और ऊपर से तुम्हारा नाना पार्लियामेंट में हंसता है, बोलता है कोई बात नहीं, वो ज़मीन बंजर थी, उस पर कुछ भी नहीं होता था, वो वेस्ट ज़मीन थी, अन्न का एक दाना भी नहीं उगता था। और उसकी इस बात का जवाब खुद एक कांग्रेसी नहीं दिया था, महावीर त्यागी सांसद थे उस ज़माने के कांग्रेस के ही, उसने बोला नेहरू तुम्हारे सर पे भी तो एक भी बाल नहीं उगता है, क्यों ना इसे काट करके मैं चाइना को दे दूँ। ऐसे थे ये कांग्रेसी, सोचो। इन्हें तकलीफ ये है कि इन्होंने पिछले 2 साल में दादरी, GNU कांड, अखलाक, इंटॉलरेंस जैसे छोटे छोटे जो जिन्न पैदा किए थे, जो इश्यूज़ पैदा किए थे, उन सारे इश्यूज़ को इस सर्जिकल स्ट्राइक ने एक झटके में ख़त्म कर दिया। मेन इसको इन लोगों को इस बात का डर है। कुछ लोग बोलते हैं पाक कलाकार पर बैन नहीं लगना चाहिए, मैं उनसे पूछता हूँ क्या तुम्हें याद है जगजीत सिंह पर, अनुपम खेर जैसे कलाकारों पर पाकिस्तान में बैन लगाया गया, उन्हें आने से मना किया गया? तब तुम कहाँ थे उस समय जब बेबी जैसी फिल्मों को ब्लॉक कर दिया गया पाकिस्तान में, और आज भी बहुत सी फिल्में पाकिस्तान में ब्लॉक होती हैं, क्यों नहीं चिल्लाते हो तुम लोग? शाहरुख खान को बोलता हूँ, सलमान खान को बोलता हूँ मैं, जब हम पाकिस्तान को पूरी तरह से काटने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ बायकॉट ही होना चाहिए। बायकॉट का मतलब बायकॉट होता है, ये सांस्कृतिक लेन देन का कोई मतलब नहीं है। जो लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कला सबसे ऊपर होती है, उन्हें समझना पड़ेगा कि हमने अपने लोग खोए हैं। ऐसे में दिल काम करता है, दिमाग नहीं। इस वीडियो को इतना शेयर करिए आप लोग कि ये पाकिस्तान तक पहुँचे, उन लोगों को पता चले कि सिर्फ केजरीवाल ही वीडियो बनाने नहीं आता है, केजरीवाल के अलावा इस देश का हर नागरिक जागरूक है, और इन केजरीवाल मिर्जाफर जैसे जयचंदों से कुछ नहीं होने वाला है, हमारे देश को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।